डीआईवाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलो आज मैं आपको डीआईवाई की सैर कराती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसकी खासियत ये है कि सारे जो आइटम्स है, एक क्वालिटी आइटम्स जो है वो आपको एकदम लो प्राइस में अवेलेबल है। स्टेशनरी से लेके क्लीनिंग आइटम्स से लेके आपको गार्डन वाली चीज़ें, जैसे कि जो आर्टिफिशियल गार्डनिंग वाली चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ज्वेलरी, परफ्यूम्स, इवन अगर आप बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, या फिर अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ लेना चाहते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपको ऑर्गेनाइजर्स चाहिए ना, तो ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही मस्त मस्त वैरायटी के ऑर्गेनाइजर्स आपको मिलेंगे। प्लस जैसे मैंने पहले बोला है कि क्लीनिंग आइटम्स की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी सारी वैरायटी में चीज़ें अवेलेबल है, बट यही है कि ये उनके ब्रांड का है, डीआईवाई के ही ब्रांड के अवेलेबल होंगे। तो योगा मैट्स यहाँ पे देखेंगे, टॉयज़ की मैंने बात की थी, यस यहाँ पे आपको स्टफ टॉयज़ काफ़ी अच्छी वैरायटी में और अच्छे क्वालिटी के स्टफ टॉयज़ है, एंड ये आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा, गाइस इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एक डायरी मुझे यहाँ पे दिखी जो कि बहुत क्यूट थी, एंड ट्रस्ट मी मुझे ये परचेस करनी ही है। गार्डनिंग वाला सेक्शन, एंड ट्रस्ट मी पेस्टल कलर में ये वासेस आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स आपको दिखेंगे, आर्टिफिशियल हो या फिर प्लांट्स रिलेटेड या गार्डनिंग रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस ये छोटे छोटे जो नहीं क्या हम बच्चों से क्राफ्टिंग करवाते हैं, तो वो क्राफ्टिंग वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाए कि यहाँ पे मिलता क्या है। तो जो जो चीज़ें आपको डी मार्ट या फिर जो मॉल्स में अवेलेबल है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, एंड ट्रस्ट मी विद अ गुड क्वालिटी एंड विद अ लोअर प्राइस, एंड यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आ जाना। मैं जो DIY में गई थी वो गैलेक्सी रोड पे है। ऑफ कोर्स ये DIY है, DIY का मतलब हो गया डू इट योर सेल्फ, एंड यू कैन सी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड मुझे दिखाई दे रही थी।